पेट्रोल डरा के बच्चे चल पाले, ये पेट्रोल डरा के बच्चे पाले, बताइए तीन बच्चे। झूठों का पुलिंदा होर्डिंग लगा लगा के जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश आएंगे, अखिलेश बाबा जी फिर से आएंगे, मैडम बाबा फिर से आएंगे। दिन में पकौड़ा रात में चौकीदारी करे और का चाहिए उगा। माताएं बहनों के आँख से आंसू बह रहे हैं, भोजन के बजाय आंसू मिल रहे हैं। आज किलो गेहूं में इनका परवाह चलेगा, पूछिए आप इनसे। अरे वहाँ की बात कर, दारू सफा में देख लीजिए। आइए मैडम, चार मेरा भी देखिए, ये किसका है बॉर्डर, कहे भारत का है, ये सैनिक किसके है, कहे भारत के। ये लोग राम मंदिर विरोधी है, राष्ट्रद्रोही भी है। नहीं चलेगा, हवा में उड़ जाएंगे, इसी तरह हवा में रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे, जमीनी हकीकत देख रहे हैं और स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं एनयूबीटी न्यूज पर मीरा राजपूत के साथ। और देखिए सबसे बड़ी चीज जो मैं कहती हूँ कि यूपी इलेक्शन 2022 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी से ही जातीय समीकरण बनाने शुरू हो चुके हैं सभी पार्टियों के। पार्टी कोई भी हो, अपने अपने वोट बैंक तैयार करने में सभी जो है लग चुकी है। अब जहां पर हम चाय पीने के लिए रुके थे, उन्हीं भैया से पूछ लिया कि भैया 2022 में माहौल क्या लग रहा है, तो उन्होंने कुछ बताया, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं, वरना आप कहेंगे कि भैया फिर आप किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। और भैया नाम बताइए सबसे पहले आप। मेरा नाम है सरवन कुमार यादव। तो इस बार क्या लग रहा है 2022 में किसके चांसेस ज्यादा है? भैया जी अखिलेश भाई, भैया जी के जी। पर देखिए जो कहना था उन्होंने बोल दिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, हालांकि बोलने की कोशिश करेंगे और बचने की भी पूरी कोशिश करेंगे, पर बचने नहीं देंगे। और मास्क हम भी लगाते हैं और कामकाज करते हैं। ये भैया बड़े बहुत देर से फोन पे व्यस्त है, इनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ी राजनीति वाली बातें चल रही थी, सोचा इनसे भी बात कर लेते हैं। माहौल में मैम फोन साइड हटाई, जीतेगी और क्या, धुआंधार समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो जो 2017 में लहर बीजेपी की दिखी थी, अब कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर फिर सब लहर गया। मैडम जी कोरोना काल चला गया, महंगाई चली गई, तेल खा गया, डीजल खा गया। होर्डिंग लग रहे हैं बड़े बड़े, यूपी नंबर वन और ये ट्रेंड कर रहा है, ये सब फिर क्या है? वो सब दिखावा है मैम, दिखावा है, दिखावा है। यस, तो नहीं है दिखावा, वोट बैंक बना करके ले जाए। अच्छा खासा कुछ नहीं, अब जनता समझ गई मैम। क्या समझ गई? अच्छा समझाइए, जनता सब होशियार हो चुकी है। कितने लुटेरे हैं ये बीजेपी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों पर कितना काम हुआ है ये बताइए। सब काम बताता रहा हूँ मैडम, आप देहात में चलिए, गाँव से जाइए, जनता सब तरह तरह रो रही है। आपस में दोनों लोग झूठे हैं, दोनों लोग झूठ के पुलिंदे हैं और बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। मैम ये भैया, हाँ कह रहे मैं हूँ यहाँ पे, मुझसे बुलवाओ आप। बिल्कुल युवा है मैडम, तारीफ करेंगे सबसे पहले बताइए। तारीफ क्या करें मैडम, आज आप इको गार्डन में देख रही है 1,000 से 6,000 एम्बुलेंस कर्मचारी धरना दे रहे हैं। शासन प्रशासन जबरदस्ती और जिलों में भर्तियां करवा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जनता आज त्राही त्राही कर रही है, जनता इतनी त्राही माम कैसे कर रही? वोट बैंक आपने ही बनवाया कहीं ना कहीं बीजेपी का, आपने ही जिताया, तो आप बीजेपी से बोल रहे हैं कि भैया कुछ नहीं किया, भरोसा कहीं तो किस तरीके से टूट गया इतना? भरोसा टूट रहा है नौजवानों का। आज 1,000 से 6,000 एम्बुलेंस कर्मी इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और डीएम जिले 70 साल के बुजुर्गों की भर्ती करके एम्बुलेंस चलवाने का दावा कर रहे हैं। ये दावा है। और बताइए और क्या क्या हुआ? देखिए एक भैया वो मिल गए कि मैम आज स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण तरह लंचित हो गई हैं, कहीं भी उत्तर प्रदेश में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। और ये दिखाने वाला ना कोई है, ना जनता की सुनने वाला कोई है। चलिए कल तो हम नहीं दिखा पाए, कुछ ही मुद्दे सबसे बड़े होते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों पर कितना काम हुआ बताइए। किसी भी छात्र से पूछ लीजिए कि उसके ऊपर लठ ना बजा हो, लाठीचार्ज ना हुआ हो। नौजवान मजदूर से पूछ लीजिए कि किस तरह से पैरों में छाले पड़ गए मजदूरों के, इतनी दूर दूर से सफर करके पैदल, कितना परेशान मजदूर हुआ, कहीं नहीं छोड़ी परेशान करने में, कहीं कमी नहीं छोड़ी। चलिए उनसे पूछते हैं, फिर से बिल्कुल परेशान है, हर तरह से परेशान है, बिल्कुल परेशान है। बड़ा मुस्कुराते हो रहे हैं आप, काम काज भी गिनवाइए जरा कि योगी जी के क्या काम काज आपको बढ़िया है। ये तो आरोप लगा रहे हैं खुद कि पैर में छाले पड़ गए, योगी जी पूरी बस लगा दिए जनता का ढोने के लिए। बस बता दीजिए कहाँ पे लगी थी, एक बस पूछ लीजिए कहाँ पे लगी थी, एक बस बता दीजिए कहाँ पे लगी थी। मैं बलिया से आता हूँ, रसणा क्षेत्र से, नारायणपुर मेरा गाँव है। मात्र 7 घंटे लाइन रहती थी 24 घंटे में, अब हमको 18 घंटे लाइन मिलती है। हम लोग क्या चाहिए, हम लोग का पूरा फर्स्ट क्लास का एकदम मंडी में गेहूँ चला जाता है। के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो युवा को रोजगार भी कितना बढ़िया मिला, ये बता दे किसको रोजगार,
युवा को रोजगार कितना मिला, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो होर्डिंग्स पर लिखा हुआ है वो जमीनी होर्डिंग में अभी बहुत मिला है, रोजगार बहुत मिला है। अरे भाई की कोशिश करते हैं कि सच्चाई दिखे, बताइए भाई। रोजगार युवा सुबह चाय बेचे, दिन में पकौड़ा, रात में चौकीदारी करे, और क्या चाहिए उसका, यही रोजगार और क्या चाहिए भैया। ये भाई साहब तारीफ कर रहे हैं, बड़े भाई, हमारे वहाँ परिचय नहीं है, मगर ये ठाकुर साहब होंगे, इनकी सरकार जरूरी थोड़े ना है कि हम लोग तो देखिए, हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा विषय तो सुरक्षा है। तो इको गार्डन की ये भीड़ देखिए इको गार्डन की, कैसे रोजगार मिल रहा है, ये भीड़ देखिए, ये ऐसे रोजगार है, बेरोजगार भी बेरोजगार किए जा रहे हैं, ये हालत हो गई है। युवा का रोजगार कहाँ गए? अरे भैया आगे तो आइए, आपसे बातचीत तो करते हैं। सरकार ने कहा था दो इंटरेस्टेड बातचीत हो रही थी, आगे तो आइए, आपसे भी तो पति आएंगे, आ जाइए आगे आगे आ जाइए, ठीक है। बताओ, होर्डिंग की बात हुई, होर्डिंग तो दिल्ली मेट्रो पे अभी 8 दिन पहले गया, हमें दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लगा रखे हैं, वहाँ पे उत्तर दिक्कत हो गई क्या? मुख्यमंत्री का क्या रोल है दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगाने का? वहाँ पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 के होर्डिंग लगा रखे हैं बड़े बड़े सरकार है ना भैया। उत्तर प्रदेश तो स्मार्ट हुआ नहीं, अभी 10 कदम मेरे साथ चलो, गड्ढे पड़े हैं रोड में, इसी रोड में यही का ही PWD कुछ नहीं कर पाए। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए कहा थे आज तक भी रोजगार, अरे वहाँ की बात क्या, दारू सफा में देख लीजिए, आइए मैडम चार मेरा में देखिए, गड्ढा और गंदगी फैला हुआ है, जहाँ माननीय विधायक लोग और मंत्री रहते हैं वहाँ इस तरह की नौबत है। आप लोग झूठ के पुलिंदे के सरकार को बढ़ाई कर रही है, ये सरकार ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। होर्डिंग की बात करती है, होर्डिंग झूठों का पुलिंदा, होर्डिंग लगा लगा के जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी, वैक्सीन मिल गई, धन्यवाद मोदी जी, सुनिए मोदी जी योगी जी की तारीफ करते हैं और योगी जी मोदी जी की तारीफ करते हैं, इसी में दोनों लोग आपस में दोनों लोग झूठे हैं, दोनों लोग झूठ के पुलिंदे हैं और बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। ये तो सुन लीजिए, किसी पार्टी से तो नहीं है, हम पार्टी से, मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लालजीत यादव, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई, और करोड़ों अरबों घोटाला होगा, जब ये सरकार जाएगी तब ये वैक्सीन घोटाला, तो क्या नाम है, सैनिटाइजेशन घोटाला, सुनिए ये जो कपड़ा लगाई है, मास्क घोटाला, ये कहते गांव में मास्क मिलेगा, साबुन मिलेगा हाथ धोने के लिए, सैनिटाइजेशन मिलेगा, कुछ नहीं मिला, समझिए आप, और कह रहे हैं कि ये कर दिए वो कर दिए, क्या कर दिए, जनता भूखों मर रही है, ठेले खुमचे वाले भुखमरी के शिकार हैं, गरीब जनता भुखमरी का शिकार है। 4 साल में कुछ नहीं कर पाई सरकार, क्या 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, केवल गुमराह कर रही है जनता को, तबाह कर रही है जनता को, किसान तबाह है। सुनिए, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जनता के पहुँच से बहुत दूर हो गए हैं, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, माताएं बहनों के आंख से आंसू बह रहे हैं, भोजन के बजाय आंसू मिल रहे हैं, क्या बात करती हैं आप, जो है आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से योगी और मोदी का बताने का कष्ट करें कि जो आप लेके जाते थे सिलेंडर, कि ये सिलेंडर महंगा हो गया, और दूसरी बात जो देशभक्ति की बात करते थे कि ये किसका है बॉर्डर, कहे भारत का है, ये सैनिक किसके हैं, कहे भारत के हैं, तो घुसपैठिए कैसे घुसाते हैं ये कहते थे ना, आज कैसे पुलवामा कांड हो गया, आज कैसे घुसपैठिए घुस रहे हैं, आप चीन कैसे घुस रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री, नाटक नौटंकी करना बंद करें, जुमलेबाजी बंद करें, कि किसी चीज का जवाब नहीं देंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं, केवल मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं, नौजवानों की समस्या की बात नहीं करते हैं, किसानों की समस्या की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, भोजन पानी की बात नहीं करते, केवल घुमाते हैं, लड़कियों की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते, शिक्षा को चौपट कर रहे हैं, सुनिए, शराब की दुकान पहले खोले, शिक्षा का मंदिर बंद कराए हैं, शराब की दुकान पहले खोल दिए और शिक्षा का मंदिर बंद कराए हैं, कहाँ का नाटक है, जब
बंगाल में चुनाव हो रहा था तब कोरोना नहीं था, वही मोदी और योगी प्रचार में गए थे, और जब जो वहाँ से चुनाव हुआ और उसके बाद कोरोना यूपी में भी बढ़ रहा है, रोज घटाते बढ़ाते हैं। सीएम मोदी कहते हैं आज बढ़ा देना, कल कहते हैं घटा देना, जैसा कहते हैं हाँ जब चाहेंगे तब वो कम कर देंगे। जादुई आंकड़े इन लोगों के पास है और झूठ के पुलिंदे हैं। ये सरकार बदलना चाहिए। जनता त्राई मांत्र है, किसी फायदा ना है, किसी न कोई न बच्चे जी। जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं उससे पूछ लीजिए कैसे पैसा लाता है, ना कोई परीक्षा है ना कुछ है, बेरोजगारी फैली हुई, गरीब भी मर रहा है, गरीब बिल्कुल खुश नहीं है, खुश नहीं है, आप देख लेना। बाबा जी को क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या नहीं किया ये बताइए। दवा लेने आए थे, डॉक्टर देखते नहीं, प्राइवेट दवा लेकर आए, गल्ला गोहू बेच करके डॉक्टर हाथ से नहीं देखते, दवा लेकर आए पर्चा, कोई दवा नहीं दे रहा। मजबूत है, आप कहते हैं आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी मजबूत है, और ये हम जनता यहाँ पर खड़ी है कि आपकी कितनी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है। हो सकता है वो नेताजी थे, ये तो नेताजी नहीं हो सकते। डॉक्टर दवा लेने आए थे, डॉक्टर ने फटकार दिया, प्राइवेट दवा लेकर आए, डॉक्टर ने दर्द देखा ना, कान में दर्द हो रही थी, हैं अभी प्राइवेट दवा लेकर आए 500 फीस दे करके, सरकारी में, सरकारी में दूर से देखा नहीं कि हटो हटो भगो भगो, राम राज्य आ गया है। गंगा किनारे पड़ी लाशें, गंगा किनारे पड़ी लाशें बताती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी यूपी में। वो तो कह रहे हैं गंगा किनारे, तो वो तो बादल में कहा जाता है, मीडिया वालों से क्या झूठ बोल पाएंगे, सब खुला है। जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं वो हिंदुओं को गड़वा दिए, क्या हिंदू मुसलमान थे, काटे गए, हिंदुओं के जलाने तक व्यवस्था नहीं किए, कैसा हिंदुत्व है ये, का ठेका लिए हुए थे उन्होंने हिंदू, कैसा हिंदुत्व है कि हिंदू गाड़ा जा रहा है, गाड़े तो मुसलमान जाते थे ना, कैसा हिंदुत्व पैदा किए ये। एक मिनट, आप कह रही थी ना कि जो है ये कर रहे थे, कैमरा क्यों लगाया गया, सच्चाई दिखाने के लिए ना, जब आपका कैमरा सच्चाई दिखा कि गंगा में लाशें ऐसे बालू में गाड़ दी गई हैं, तो उसको झूठ बोल रही सरकार, और सरकार कैमरा लगाती है, आप कैमरे के नजर में हैं, कोई गलत काम मत करिए, वही सरकार आपके कैमरे को झूठा बोलती है, तो ये सरकार का दोहरा नीति नहीं चलेगा। अगर सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए सरकार को, जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे चूक हुई है, हम आपके झूठ है, हकीकत में सरकार फेल हो चुकी है, सरकार जनता के मर्म को दर्द को नहीं सुन रही है, वो अपनी जोते हुए है, यानी अपनी बात कह रही, जबरदस्ती जनता को मनवा रही है। सुनिए अभी एक भाई कहे कि अस्पताल में नहीं देख रहे, अस्पताल क्यों बंद कर दिए आप, सरकारी डॉक्टर को वेतन देते हैं 1-1.5 लाख रुपया, और सरकारी डॉक्टर उतनी दूर से भी नहीं देख रहा है, और प्राइवेट डॉक्टर देख रहे थे, प्राइवेट झोला छाप डॉक्टरों ने कुछ जान बचाई, लेकिन सरकारी डॉक्टर देखने से मना कर दिए, इसलिए और ज्यादा लोग मरे, इसलिए ज्यादा लोग और मरे। माइक तो मेरे पास छोड़ दीजिए, ये तो मेरा औजार है भैया, देखिए अगर आप डॉक्टर साहब हैं तो हम भी पत्रकार हैं, हमें धर्म दीजिए। मैडम ये मैडम आपके अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश यादव ही काम किए हैं, वही आएंगे, यूपी के जनता डिक्लेयर कर दी अखिलेश यादव आएंगे। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बताइए आपकी सरकार को कैसे पता चल रहा है कि 1 अगस्त से जो है कोरोना दोबारा आ जाएगा। सबसे पहले ये बताइए आप पेशे से डॉक्टर साहब हैं? जी मैम जी। अच्छा, सरकार को बताइए, आप सवाल पूछिए उनसे तो उनको भी मजा आएगा कि भैया एक डॉक्टर साहब। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा, ये बताइए आप कि सरकार को कैसे पता चल जाता है 1 अगस्त से लॉकडाउन लगेगा और कोरोना आ रहा है, अब कोरोना इतने दिन में चला जाएगा, ये कैसे पता हो जाता है सरकार को? थर्ड वेव जो है वो हावी हो चुकी है, बहुत ज्यादा तो ये चीजें सरकार को कैसे पता लग जाती है? पहले प्लांट है, सब प्लांट है, कोरोना प्लांट है, थर्ड वेव प्लांट है, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई आंदोलन ना हो पाए, कोई जनविरोध ना हो पाए, इसलिए कोरोना को बार बार लाती है ताकि कोई आंदोलन ना हो पाए। आज के समय में ना तो नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, ना तो किसानों को उचित उसका रेट मिल रहा है कि उसके खेतों का, ना महिलाओं का सुरक्षा है, ना रोजगार है, ना आम जनों की रक्षा है। इस बस भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के 2014 में आया कि अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, पेट्रोल डीजल 40 के नेताजी जा रहे हैं पीछे, नेताजी जा रहे हैं, नेताजी लोग बस घूमेंगे, 2022 में नेताजी फिर उसी सड़क पे आएंगे और समाजवादी पार्टी का 350 से ऊपर का सीट बन के सरकार बनेगा, और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और फिर उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा, और समाजवाद
हर गरीब नौजवान, हर छात्र, महिलाओं सबका सम्मान आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में होगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। चलिए अब आप बता दीजिए, इन्होंने तो जीत पक्की कर दी, क्या चांसेस लग रहे 2017 में जो योगी जी की लहर थी वो होगा या फिर इस बार परिवर्तन की लहर? सत्य की जीत होगी, सत्य की। सत्य किसके साथ है ये अखिलेश यादव के साथ होगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है। ये जो नौजवान बता रहा है जो परेशान है, ये मैं समान हूँ, मैं परेशान हूँ। मेरी तीन बेटियाँ हैं, तो एक बेटी क्या मार दे जब दो बेटी रखे हम। ये जो तीन बेटियां मेरी हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को आपके लिए क्या करना है? ये जैसे जो जिसके बच्चे हो गए हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए ना। जो गलती हमसे हो गई, मान लीजिए हम तो सोचे ये हमारा एक वंश चले, वंश कि सुविधा नहीं मिलेगी क्यों? सरकार ने कह दिया कि तीन बच्चों वालों को। योगी जी का परिवार खुद इतना बड़ा है, आप गिन लीजिए परिवार कितना, उनके घर में कितने भाई बहन हैं। क्या उन्हें मारेंगे, उनका इतना बड़ा परिवार है। वो हम किसानों को मवाली बता रहे हैं, हम वहाँ बॉर्डर पर बैठे, हमारी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, हमारा बकाया नहीं मिल रहा, मील नहीं दे रहे, और ये लोग झूठ बोल के सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। बैठकें की गई पर आपने तो सुनी नहीं बिल्कुल। किस क्या सुने, कानून को वापस लो, वापस। हम मवाली बता रहे हैं, गुंडे बताते हैं वो लोग, हैं खुद गुंडे लोग हैं। चुनाव चुनाव एक औपचारिकता बची हुई है, सरकार तो अखिलेश जी की आनी है, जो काम करेगा वही आएगा यूपी में। सरकार आपके हिसाब से आनी है, अब आप बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये लोग केवल प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई बताइए जरा। सच्चाई ये है कि अगर अगर ये लोग आ गए, पहले सबसे पहले कहेंगे घोटाला हुआ राम मंदिर में, उस पर बैन लगा देंगे। ये उधर पैसा गया, उधर पैसा गया, पैसा जब ट्रस्ट में गया है, ये लोग कहते हैं कि उसका पैसा जो है भाजपा खा रही है। एक एक पैसे के हिसाब से भाजपा ने बढ़िया काम किया, एक पैसे का हिसाब है। ये लोग राम मंदिर विरोधी है, राष्ट्रद्रोही भी है। भैया को बुलाती हूँ, अरे भैया आगे आइए, इनको बुलाइए जरा, आगे आइए। एक भैया ये कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, भैया अब की बार 40 के आगे सपा नहीं पहुँचने वाली, 40 का नहीं जाएगी। पिछली बार से 3 सीट भाजपा ज्यादा आएगी, पिछली बार से 3 सीट ज्यादा आएगी। कितना पता नहीं चलेगा, हवा में उड़ जाएंगे, इसी तरह हवा में रहेंगे। लोग रात में सपना देखते हैं या दिन में सपना देख रहे हैं? ज्यादा आ रही भाजपा की, 3 सीट ज्यादा। ये दिन में सपना देख रहे हैं मैडम, और इनकी सरकार क्या इनके पैर से जो जमीन खिसक चुकी है। पिछली बार से 3 सीट गरीब आदमी, ये पेट्रोल डरा है कि बच्चे चल पाले, ये पेट्रोल डरा के बच्चे पाले, बताइए। 3 बच्चे हमारे हैं, हम पेट्रोल डरा के बच्चे पाले, इसका उत्तर दीजिए आप। सरकार आती तो 200 रुपया पेट्रोल, तो मोदी जी का देने की 100 रुपया हो रहा है। आप सही बताए हैं, ये है फ्री में, ओरिजिनल में आप परवाह चलाएंगे। मैडम इनको 5 करोड़ आसान दीजिए, इनको जनता से नहीं मैडम, कुछ नहीं, 3 सीट ज्यादा आएगी। महंगाई कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं। 5 किलो गेहूँ में इनका प्रवाह चलेगा, पूछिए आप इनसे, 5 किलो गेहूँ देखे प्रवाह चल जाएगा। नमक तेल 200 रुपए लीटर बिक रहा है, तेल कड़वा तेल, ठीक है 160 रुपए किलो, 200 रुपया नहीं है, 200 रुपए में आम जनता सुन रहे हैं। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हम भी मैडम किसान हैं, किसान के बेटे हैं। हाँ बीजेपी के लोगों लगाएंगे। अब आप बताइए, जल्दी जल्दी सुनिए, 20 रुपया किलो गेहूँ सरकार से खरीद करके आज 2 रुपया गेहूँ मार्केट बेचती है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखता? सुनिए, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार डील करती है, अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ता है, जो की सरकार बढ़ा रहे हैं पेट्रोल डीजल का दाम। गुंडा राज खत्म हुआ यूपी से, कहीं भ्रष्टाचार दिखाए केंद्र से स्टेट तक, कहीं भ्रष्टाचार दिखाया? ये लोग सपना देख रहे हैं, सपना पूरा होने, सपना बिल्कुल पूरा नहीं होगा। 30 रुपए पेट्रोल लेके 100 रुपए बेच रहे हैं, कड़ू तेल है, 22 रुपए किलो गेहूँ है, किसान मारा जा रहा है, साला सरकार ये भ्रष्टाचार मचा रखे हैं, पूरी सरकार योगी मोदी सारे सब भाग जाएंगे, सब भ्रष्टाचार हट जाएगा, 200 रुपए लीटर। कोई भारत सरकार में गमन हुआ है मोदी के रहते? कोई गमन नहीं, इससे पहले गमन ही था। सीएजी बोल रही थी, हम थोड़े बोल रहे हैं। इससे पहले सीएजी ने कहा
हर चीजों में केवल घोटालेबाजी हो रही है। आज की डेट में प्रधानमंत्री के रहते जो ये दाम बढ़ाया है, एक्साइज ड्यूटी ज्यादा ली गई है, इससे भारत सरकार समृद्ध हुआ है और गरीबों के लिए योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कोई योजना नहीं जो गरीबों का भला हुआ है, ऐसी कोई योजना बता दें जो धरातल पे गरीबों के लिए अच्छी हुई है, ऐसी कोई बिल्कुल नहीं, धरातल पे कोई नहीं। गरीबों के लिए लाभ बताइए आप क्या है, 5 किलो गेहूं पाके भौरा बना के खा ले। आने वाला योगी जी अखिलेश आएंगे, अखिलेश अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे, अखिलेश वो सपना अखिलेश की सरकार नहीं बननी है। बाबा जी फिर से आएंगे मैडम, बाबा फिर से आएंगे, बिल्कुल अखिलेश यादव ये लगातार चल रहा है। देखिए आम जनता भी यहाँ पर थी और कई बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता भी यहाँ पर आए और देखिए बहस कैसी चल रही है। आप देख रहे हैं कि लखनऊ राजधानी से, यूपी की राजधानी से क्या सर्वे निकल के सामने आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। टक्कर बहुत जबरदस्त है ये मानना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं, अब जैसे पीछे से वो कह रहे हैं भैया, बीजेपी के नेता जी कह रहे हैं भैया कोई टक्कर ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है, कोई सामने ही नहीं खड़ा है। चलिए ऐसे ही सर्वे दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।